बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़रीन बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। वज़ीर इमरान ख़ान साहब का आज एक और धुआंधार खिताब और धमकियाँ देने से मुतालिक उन्होंने कुछ इंकशाफात की हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और इसके साथ वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद ने नए इलेक्शन के हवाले से नई नवीद सुना दी है। वह नवीद क्या है, इलेक्शन कब तक हो सकते हैं, और इसके अलावा इस वक्त NQM जो है वो वापसी का सोच रही है, इसके पीछे क्या है कि वो इलेक्शन जिस दिन वोटिंग होनी है अदम एतमाद पर, उस दिन कितने अरकान किस तरफ झुकाव रखते हैं, इसका भी जायज़ा लेना है। और साथ आपको ये बताना है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ सीनियर साफ़ी हारून और रशीद ने 6 महीने पहले, यानी मैं कहता हूँ 6 महीने पहले, एक इंकशाफ किया था, एक ख़बर दी थी और एक पेश गोई की थी और एक साजिश के बारे में ज़िक्र किया था। आज वो वीडियो मैंने निकाल ली है, वो मेरे पास आ गई है, वो वीडियो 6 महीने पहले वाली भी सुनाऊँगा ताकि आप क्लियर हो सकें कि मौजूदा मंजरनामा होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, यूँ आपका और मेरा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म है कि इतवार का दिन 11 बजे तय हो चुका है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि गुज़श्ता शब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने खिताब करके 2 नुकात के लिए खिताब किया था। एक ये कि अमरीका के नाम लिया कि किस मुल्क ने उनको थ्रेट किया, और दूसरा ये कि मौजूदा अपोजिशन जो है उनके पे रोल पर खेल रही है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बावर कराने के बाद आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसको लेकर गए, पार्लियामानी कमेटी पर भी लेके गए। अब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज एक अहम खिताब किया है, वो खिताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप उसकी हसासियत और उसकी अहमियत को समझ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सिक्योरिटी डायलाग की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रूस जाने पर संगीन नतायज की धमकियाँ दी गई। ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं, क्या किसी खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क को ऐसी धमकियाँ दी जा सकती हैं, ये उन्होंने सवाल किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका को नाराज़ नहीं करना, और अमेरिका को नाराज़ ना करने की वजह से आज़ाद खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचा, लेकिन ख़ुद मुख्तार पॉलिसी मुल्क के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत को तो नुकसान पहुंचा है लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और ख़ुद मुख्तार पॉलिसी, क्योंकि हमेशा ये डिस्कस किया जाता रहे, हमेशा ये कहा जाता रहे कि रूस के मामले पर जब पाकिस्तान सोवियत यूनियन का के खिलाफ महाज सफ आरा हुआ और उस सफ बंदी में अमेरिका की तरफ उन्होंने वजन डाला तो पाकिस्तान को 80,000 शोदा की कुर्बानियां भी देनी पड़ी, दहशतगर्दी भी आई, कलाशनकोफ कल्चर भी है और मंशियात का कल्चर भी है। आगे फरमाया जनाब, सुनते हैं। कहते हैं जी, भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। अमरीका कहता है भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, उसको कुछ नहीं कह सकते, जबकि बरतानवी वजीर खारजा ने भी कहा कि भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, मुदाखलत नहीं कर सकते। इमरान खान ने कहा कि भारत अमेरिका का इत्तेहादी है मगर रूस से ताल्लुकात कायम कर रहा है। बकौल अमेरिका, भारत आज़ाद है तो क्या हम आज़ाद नहीं हैं, क्या हम गुलाम हैं? जो मुल्क आज़ाद पॉलिसी का ना हो वो कभी अवामी मफादात का तहफ़ नहीं कर सकता। अब सारी सूरत हाल ये है कि इतवार के दिन क्या होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं शेख रशीद के बयान से भी पहले, इलेक्शन के नतज, इलेक्शन कब होने जा रहा है उससे भी पहले, मैं आपको सीनियर सहाफ़ी हारून और रशीद जो कलम निगार भी हैं, एक प्रोग्राम भी करते हैं और 92 न्यूज़ पर, उन्होंने 6 माह पहले, कम बेचों मुझे याद पड़ता है, 6 माह पहले एक ख़बर दी थी। उस वक्त हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था कि यार ये जो कह रहे हैं वो कहते हैं ना बस यार ये हमें चवले मार रहे हैं। मैं आप सिलिटरली यही इस तरह की बात होती है कि कह रहे हैं कि जी एक साजिश तैयार की गई है, साजिश का मनसूबा तैयार किया गया है इमरान खान के खिलाफ। उस वक्त तो हमने तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज उन्होंने आज के दिन की मुनासबत से आज के महीने के बारे में, फरवरी मार्च के बारे में क्या कहा था, ये ज़रा गुफ्तगू सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। कन्फर्मेशन ऐसे थोड़ी खबरें, आपने अखबार में काम नहीं किया, आपको क्या पता कि नाजुक खबरें जो होती हैं उसे क्या करना होता है। हाँ जी, खतरनाक खबरें हैं, नाजुक नहीं, खतरनाक। नंबर 1, एक मंसूबा बनाया गया है अमरीकी सरपरस्ती में जिसमें जो बाइडन के दौर में अमल करने की कोशिश की जाएगी। मंसूबा है, मंसूबा लफ्ज मंसूबा जहन में रखें, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी जाए, वजीर आजम का नाम तजवीज कर दिया गया है टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के लिए। मंसूबा है, मंसूबे के मकासद क्या हैं, मतलब उसके लिए सियासी पार्टियां भी सरगर्म, नवाज शरीफ की ताइद भी हासिल है और उससे ज्यादा मौलाना फजल रहमान की, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को वसायल मुहैया कर दिए गए हैं, टास्क दे दिया गया, फेबर के आखिर में होगा,
इस्लामाबाद में मजारा का, मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूं पिंडी में नहीं होगा, इस्लामाबाद में होगा। एनजीओ की मदद हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये जो है ना इत्तेहाद बैनुज़्ज़दैन है, यानी बिल्कुल ही दो मुखालफ अनासर का इत्तेहाद है। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है, इसमें नून लीग शामिल है, इसमें सिविल सोसाइटी के लिबरल एलिमेंट शामिल हो गए। एक तूफान आप देखेंगे सोशल मीडिया पर। और ये इलेक्शन कमीशन का हंगामा, क्या हंगामा है, ये उसकी तमहीद है, असल हंगामे बाद में होंगे। और रियासती अदारों में भी नकब लगाने की कोशिश की जाएगी, उनकी मदद हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये एक खबर जनाब अली, आपने सीनियर साफी कलम निगार एंकर पर्सन हारून रशीद का तज्जिया सुन लिया। उस वक्त ये तज्जिया नहीं कर रहे थे बल्कि खबर दे रहे थे, और उस वक्त हमें लगा था कि ये ऐसे ही बात कर रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, पोजीशन टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। पहले भी कई तहरीकें लाए, अदम एतमाद की लाए, बहुत कुछ किया, लेकिन बहरहाल अब कुछ लग रहा है क्योंकि इमरान खान मुसलसल बात भी कर रहे हैं, इदारों में भी रख रहे हैं, तमाम इदारे भी उस पर आन बोर्ड लिए हैं, उन्होंने उनको सामने किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। तो बहरहाल कुछ ना कुछ दाल में काला तो ज़रूर है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में अपोजिशन को पीछे हटने की बजाय इसमें तहकीकात का मतालबा करते और ख़ुद सामने शामिल होते और इनका वहीं का भी हिस्सा बनते। अब आवाम के सामने ये लोग ये नहीं कह सकते कि हमें बुलाया नहीं किया। आगे चलते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने एक आज गुफ्तगू की है वक़ार-उल-निसा कॉलेज की तकरीब में। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन का फौरी इनेकाद वोट फरोख्त करने वालों के लिए हिसाब के लिए है, इसलिए ज़िम्मेदार आगे बढ़ें और फौरी तौर पर मुनसिफाना इलेक्शन कराने का ऐलान कराएं। और फौरी तौर पर यानी कि मुनसिफाना इलेक्शन, ज़िम्मेदारान से मुराद कौन है, स्टेक होल्डर्स हैं, कि वो आएँ और नए इलेक्शन का ऐलान कराएँ, बात ख़त्म करें, दो जमा दो चार की तरह सब कुछ हो जाए। और बेहतर है कि अब इसके ऊपर ज़्यादा इंतज़ार कौम को भी ना कराया जाए और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। यानी कि अब उनको नज़र आ रहा है कि जो अतवार वाला दिन है इमरान खान के ख़िलाफ़ वोटिंग में, कभी इम्कान यही है कि वज़ीर इमरान खान साहब नो कॉन्फिडेंस मूव लूज़ कर जाएंगे। और क्योंकि गो के एम क्यू एम, जिसकी मैं बात करूँ, एम क्यू एम इस टाइम डामाडोल है, कल रात तक वो मुतालबा कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम, यानी कि उन्होंने इशारा दिया कि हम वापस आ सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो सूरत हाल बदल भी सकती है। देखना यह है कि वज़ीर इमरान खान की ये सारी बातें उनके अपने अराकीन पर असरअंदाज होती हैं या नहीं होती, खुद अपोजिशन के अराकीन पर क्या होती हैं, ये तो वोटिंग वाले दिन ही पता चलेगा। नई वीडियो नई अपडेट के साथ हाजिर खिदमत, अल्लाह हाफिज़ नासिर।